हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र ब्रजघाट गंगा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय में जाकर बच्चों को ड्रेस अर्पण किया, पश्चात ब्रजघाट गेस्ट हाउस जाकर पौधा अर्पण कार्यक्रम किया, जिसके बाद गंगा घाट जाकर मुख्यमंत्री ने गंगा मैया की आरती की। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना लागू की, प्रधानमंत्री इरिगेशन की व्यवस्था की, हम लोग चाहते हैं मजबूती के साथ आगे बढ़े और हम सबके सामने हमारे पुलिस कमिश्नर रहे और आज हमारे माननीय सांसद हैं श्री सत्यपाल सिंह जी, जिन्होंने वहां की एक चीनी मिल के बारे में कहा था। वहां के माननीय विधायक किस बारे में कह रहे थे, हम लोग किसी बजट में प्रस्ताव करने जा रहे हैं, हम लोग बात पर स्वयं जाएंगे, वह किसानों की भूमि है, चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ी हुई भूमि है और हम वहां जाकर के किसानों का सम्मान हासिल करके चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान के लिए व्यक्त करेंगे। चीनी मिल का विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग किसानों के हितों के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार उस मामले में कोई भी कड़े से कड़े कदम उठाने में हिचकेगी नहीं और इस दिशा में आप सबका सहयोग प्राप्त करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए। सज्जनों, इस सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। आज हम लोग यहां पर आए एक विद्यालय में बच्चों को यूनिफॉर्म बैग और बुक्स उपलब्ध करवाया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,52,00,000 छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार देगी, अच्छी यूनिफॉर्म, गरीब का बच्चा भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन सकता है। इस दिशा में एक नया कदम उठाया गया है और मैं आप सबसे कहूंगा आप सब उसमें सहयोगी बने। प्रदेश का कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो स्कूल में जाता हो, स्कूल चलो अभियान में खूब पढ़ो आगे पढ़ो का नारा देकर के एक एक बच्चे को स्कूल भेजिए, उसकी पढ़ाने की पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार लेगी और बेसिक शिक्षा परिषद ने इस मामले में एक अभियान प्रारंभ किया है। याद करना, अगली बार से हम लोग प्राथमिक बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में हम लोग, यह देश आस्थाओं पर टिका हुआ देश है और इस देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जिसने भी दुस्साहस किया है, जनता ने उसे पैरों से रोकने में कोई कोताही नहीं पड़ती है और भावनाओं की कोई अनदेखी नहीं कर सकता, उन जनभावनाओं की कोई अनदेखी नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच कहने के लिए आए हैं कि कार्तिक मास में लगने वाले उस मेले को हम राजकीय मान्यता देकर के इस क्षेत्र में सरकार लाखों लोग आते हैं यहाँ पर और उन लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को कभी वो सम्मान नहीं दिया गया जो सम्मान दिया जाना चाहिए था। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव, लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश संपूर्ण उत्तर प्रदेश आता है यहाँ पर, हरियाणा के लोग, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, देश के कोने कोने से श्रद्धालुजन आकर के आस्था को व्यक्त करने के लिए आते हैं और जैसे 5,000 वर्ष पहले और उससे पहले भी पुराण काल में भगवान शिव के गौरव की मुक्ति का ध्यान यहाँ पर चला था, जिस स्थान पर उन्हें मुक्ति मिली थी और 5,000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध में उन सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए भी भगवान कृष्ण ने अपना अभियान यहीं से प्रारंभ किया था। इतना 5,000 वर्ष पुराना इतिहास तो ज्ञात है और भगवान शिव का गणों के साथ आप जोड़ेंगे तो उससे भी पुराना इतिहास इसका लगता है। दुनिया के अंदर कोई कह सकता है, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय, कोई सेक्ट अपने इतिहास को क्या 5,000 वर्ष का कह सकता है? नहीं। लेकिन आपका इतिहास कितना पुराना है गढ़मुक्तेश्वर, उसका उदाहरण आपके सामने है।